नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। मैं इस वक्त खड़ा हूं रामविलास पासवान के निवास स्थान 12 जनपद रोड पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे रामविलास पासवान का निवास स्थान है। दरअसल पूरा मामला ये है कि कल चिराग पासवान ने जिस तरीके से ट्वीट करके एनडीए पर निशाना साधा था, भारतीय जनता पर, जनता पार्टी पर निशाना साधा था, और जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा था कि अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द से जल्द नहीं सुलझाया गया तो इससे एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने तमाम युवा और किसानों जैसे मुद्दे को लेकर भी एक राष्ट्रीय चैनल के कॉन्क्लेव में उन्होंने केंद्र की सरकार से सवाल पूछा था। अब इस उनके बयान से, चिराग पासवान के इस बयान से जो भूचाल मचा बिहार की राजनीति में, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज 4 बजे शाम को 4 बजे बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भूपेंद्र यादव चिराग पासवान और रामविलास पासवान से मुलाकात करने उनके निवास स्थान पर पहुँचे। जब 20 मिनट तक लगभग ये मुलाकात चली, इस मुलाकात में जब तीनों ही आला नेताओं की बात नहीं बनी तो भूपेंद्र यादव इन दोनों ही पिता पुत्र की जोड़ी को लेकर के अमित शाह के निवास स्थान पर पहुंचे। वहाँ पर लगभग ये मीटिंग 1 घंटे तक चलनी थी, लेकिन ये मीटिंग 2 घंटे चली, 2 से 2.5 घंटे चली। इस मीटिंग के दौरान देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शामिल हुए। जब अरुण जेटली अपने अमित शाह के निवास स्थान से बाहर निकल रहे थे तो उनके चेहरे पे एक अजीब सी खामोशी थी। वो मीडिया से उन्होंने कोई किसी भी मीडिया कर्मी के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। वहीं चिराग पासवान और रामविलास पासवान जब निकल रहे थे उन्होंने भी मीडिया से जवाब नहीं दिया, उनके चेहरे पर भी खामोशी थी। तो वहीं दूसरी तरफ जब अमित शाह अपने निवास स्थान से निकल रहे थे तो वो एक मुस्कान के साथ वो निकले, किसी भी मीडियाकर्मी के सवालों का जवाब नहीं दिया। दरअसल आप अगर इन सभी नेताओं के बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो ये देखकर ये स्पष्ट लग रहा था कि एनडीए में अब वर्तमान स्थिति है उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात है, जो चिराग पासवान जिसकी बात करें, तो दरअसल इसके पीछे की कहानी ये बताई जा रही है कि पहले जो लोक जनशक्ति पार्टी है उनके तरफ से ये डिमांड थी कि उनको 6 लोकसभा का और 1 राज्यसभा का टिकट दिया जाए, राज्यसभा का सीट दिया जाए, जो कि रामविलास पासवान के लिए राज्यसभा का टिकट मांग रहे थे, लोक जनशक्ति पार्टी मांग रही थी, क्योंकि वो अस्वस्थ रहते हैं तो लोकसभा में की राजनीति नहीं करना चाहते और राज्यसभा की राजनीति करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकल आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 6 सीट देने के लिए, लोकसभा की 6 सीटें देने के लिए तैयार है। वहीं ये भी खबर निकल रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी ये भी चाह रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा वाली जो कोटे की 2 सीटें हैं वो भी उनको दी जाए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की पक्ष की बात करें, उनके सूत्रों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के अनुसार वो 2 सीट में उन विधायकों को दी जा सकती है जो 2 बागी विधायक हैं जो उपेंद्र कुशवाहा से अलग होकर जिन्होंने दावा ठोका है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उनकी है। तो दरअसल पूरा मामला जो है यहाँ पर फंस रहा है। वहीं एक और खबर इस बीच से निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि 2 साल नोटबंदी से जो 2 साल में फायदा हुआ वो फायदा बताया जाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के जो ये लेटर सार्वजनिक हुआ है इससे भी कहीं ना कहीं नाराज हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी की जो ये दोस्ती थी वो कहीं ना कहीं फिलहाल वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये दोस्ती अभी कहीं खटास में पड़ती हुई नजर आ रही है। एनडीए में अभी सब कुछ ठीक नहीं है। अब जो पूरी जो निगाहें हैं और पूरा जो फैसला है वो बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पर जाकर शिफ्ट हो गया। दरअसल नीतीश कुमार कल दिल्ली आ रहे हैं और अब इस एनडीए के संकट को वही हर सकते हैं, यानी कि अब एनडीए के संकट मोचक नीतीश कुमार को ही बनना पड़ेगा, वही इस फॉर्मूले को, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, इसको सुलझा सकते हैं। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, जो पेंच फंसा है, ये पेंच सुलझता है या फिर उपेंद्र कुशवाहा की तरह ये पेंच भी उलझ जाता है। क्या सच में रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक तरह वर्तमान में भारत की राजनीति के मौसम को भांप लिए हैं और वो एनडीए से अलग होना चाहते हैं, या महज ही एक दबाव की राजनीति है? आगे इस संदर्भ में और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए कैमरा सहयोगी अजीत के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।